कि लड़की क्या भगवान के द्वारा बनाई हुई ऐसी कमजोर और बेवकूफ ह्यूमन बीइंग है जिस पर कोई भी लड़का कब्जा कर लेगा, उसके माइंड और बॉडी पे उसको बहका लेगा? नहीं। नमस्कार दोस्तों, चौखट पर रोती रही दुष्कर्म पीड़िता, निजी कार्यों में व्यस्त होने की वजह से एडीसीपी महिला ने वापस लौटाया, इस हेडलाइन के साथ कल दैनिक जागरण ग्रेटर नोएडा में यह न्यूज छपी। आरोप यह है कि बनारस के रहने वाले एक लड़के ने 28 वर्षीय कानपुर की रहने वाली लड़की के साथ 2 साल तक फिजिकल रिलेशन बनाए और अब शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता थाने चौकी के चक्कर लगाए और जब कहीं सफलता नहीं मिली तो महिला सुरक्षा एडीसीपी से मिलने पहुंची, मुलाकात नहीं हो पाई। दोस्तों, सवाल ये बनता है कि क्या यह मामला सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के तहत रेप का मामला है या नहीं? 28 साल की बालिग लड़की जो कि नोएडा जैसे हाईटेक शहर में रह रही है और अपने अच्छे बुरे डिसीजन लेने में सक्षम है, 2 साल से बिना किसी जोर दबाव के अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बना रही थी और जैसे ही रिश्ता बिगड़ता है तो वही रिलेशन रेप में बदल जाता है। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसा कोई भी रिलेशन रेप कब कहलाता है।